अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो मैं हूँ शगुफ्ता अली और आज मैं शेप्स के एक्साइटिंग ट्यूटोरियल को लेकर जो है वो हाज़िर हुई हूँ। सो आज हम लोग जो है वो शेप को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है क्योंकि सीज़न जो है वो थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है। सो मुझे यकीन है इस चीज़ का कि आप लोग सब कोऑपरेट करेंगे। सो अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग शेप्स में रेक्टेंगुलर टूल को देखेंगे। और जैसे ही यहाँ पर लेयर्स का पैनल मैंने एक्टिव किया हुआ है, इस पैनल के ऊपर आप चेक कीजिएगा कि जैसे मैंने ड्रॉ करी है कोई भी रेक्टेंगुलर शेप, मेरे पास लेयर पैनल के अंदर ऑटोमेटिकली एक लेयर एक्टिव हुई है। ठीक है, तो शेप्स की लेयर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। उसके लिए आपको अलग से लेयर ऐड करने के बाद शेप लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? यहाँ पर टॉप पर आप आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है न्यू लेयर पर चेक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई शेप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो किस पर जनरेट होगी? वो हमेशा न्यू लेयर पर ही जनरेट होगी। इसी तरीके से आपके पास शेप के अंदर आप आते हैं और यहाँ पर शेप सिलेक्शन है और जो सी शेप ली हुई है आपकी वो यहाँ पर शो हो रही है। इसी तरीके से फिल का मतलब ये होता है कि जो कलर आप फिल करना चाह रहे हैं अपनी शेप के अंदर, आप ग्रेडियंट फिल करना चाहें, सिंगल सॉलिड कलर फिल करना चाहें, आरजीबी मोड के अंदर या डबल क्लिक करें यहाँ पर, तो आपके पास पूरा पैनल आ जाएगा कलर सिलेक्शन का। एंड देन जैसे आप क्लिक ओके करेंगे कलर उस शेप के अंदर फील हो जाएगा। यहाँ पर CMYK के RGB कलर, ग्रे स्केलिंग कलर, ये कुछ कलर फिक्स हुए हुए हैं जो आप अपने रिक्वायर्ड एरिया या शेप में फिल करना चाहें तो आप इजीली उन कलर को सेलेक्ट करके यहाँ से फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस पेन पर डबल क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन ईजिली सेलेक्ट एनी कलर। ओके जी, इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास जो इसके पास प्रॉपर्टी है स्ट्रोक प्रॉपर्टी। स्ट्रोक प्रॉपर्टी शेप की जो भी आउटलाइन देनी है उसके लिए यूटिलाइज होती है। फिलहाल आई एम सेलेक्ट दी एनी कलर फॉर शोइंग यू। ओके, सो आउटलाइन अभी दिख नहीं रही। जैसे ही मैं आउटलाइन की यहाँ से थिकनेस को इंक्रीज करूँगी तो फिर मेरी आउटलाइन जो है वो दिखना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आकर इसकी रेंज को बढ़ाती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास स्टाइल्स ऑफ आउटलाइन है, डॉटेड है, डैशेड है, सो यहाँ पर अलाइनमेंट है, आपको अलाइनमेंट कॉर्नर्स में आउटसाइड दी बॉर्डर चाहिए, इनसाइड दी बॉर्डर चाहिए कि आपको आउटलाइन किस जगह पे चाहिए वो उसके हिसाब से आप एडजस्ट करा सकते हैं। कॉर्नर्स आपके स्ट्रेट हैं, राउंडेड चाहिए आउटलाइन के, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं लाइक दैट। ओके, तरीके से हमारे पास यहाँ पर विदन हाइट है। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको भी बताया कि जब आपने सिलेक्शन करी तो न्यू लेयर पर आई थी, इसी तरीके से कम्बाइंड शेप। अगर इस वक्त मैं कम्बाइंड शेप पर चेक लगाती हूँ तो जब भी मैं नई शेप ड्रॉ करूँगी तो देखिएगा यहाँ पर एक और लेयर जनरेट नहीं हुई है क्योंकि वो शेप इसी के अंदर ही कंबाइन हो गई। अगर मैं यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल लेती हूँ तो मैं शेप को इसके अंदर कंबाइन कर सकती हूँ इजीली। देखें लाइक दैट, इतनी आसानी से मैंने शेप को इसके अंदर कंबाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट टूल हमारा है, दोबारा आते हैं और सेम लाइक दैट, पहले मैं न्यू लेयर पे मेरा चेक लगा हुआ है, मैंने फ़ौरन से एक शेप ले ली और शेप को मैंने ड्रॉ किया। इसी तरीके से हमारे पास और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको भी हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे पास सबट्रैक्ट फ्रंट शेप है। अच्छा जी, पहले मैं एक शेप ड्रॉ कर देती हूँ कंबाइन पे जाके। सो यहाँ पर आकर कंबाइन शेप पे ड्रॉ करते हैं, मैंने यहाँ पर एक और शेप ड्रॉ कर दी है कंबाइन के साथ ही। अब मैं सबट्रैक्ट फ्रंट शेप, ये देखें जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया
उतना ही एरिया उस शेप में से सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, ये देखिए ठीक है, जितना एरिया मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ उतना ही एरिया उस शेप में से सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कह रही है उसको चेक कर लेते हैं। इंटरसेक्ट शेप एरिस, जितनी भी आपने एरिया लेना है उतना एरिया उस शेप में से प्रीवियस शेप में से इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखें। इंटरसेक्ट इस मीन दैट कि जिस पॉइंट पर दोनों शेप आपस में इंटरसेक्ट दूसरे को कट कर रही है जितना एरिया कंबाइन में बच रहा है वो इंटरसेक्ट है, ठीक है ओके जी। इसी तरीके से हमारे पास अगेन एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप से सेम लाइक दैट, शेप जितनी ओवरलैप करेंगे उतनी होना ओवरलैप होना शुरू हो जाएगी। तो आई होप ये टूल क्लियर हो गए होंगे और मैं इस लेयर को ख़त्म कर रही हूँ कंबाइन लेयर को। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट्स। अच्छा ये अलाइनमेंट्स के जो आपने दो शेप्स बनाई हैं, मैं कंट्रोल जेड से वापस आती हूँ शेप्स को लेकर, आपने जो भी शेप्स बनाई है अगर आप इनको अलाइन करना चाहते हैं, ये फिलहाल आई एम गोना कंबाइन द शेप्स ओके। मैंने एक शेप यहाँ रख दी, इसी तरीके से आई ड्रॉ अनदर वन और मैंने एक शेप इसी के बराबर में यहाँ पर ड्रॉ कर ली लाइक दैट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने शेप्स को सेलेक्ट करना शुरू किया। सेलेक्शन कैनवस के हवाले से एडजस्ट करनी है, अलाइनमेंट के ऊपर लेके जानी है, तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। या तो आप पेन टूल ये तो आप पाथ सेलेक्शन से भी इसको मूव कराना चाहें किसी भी शेप को तो आप इजीली मूव करा सकते हैं ओके जी। इसके बाद हमारे पास है ब्रिंग फ्रंट। ये आपको कंफर्म ही होगा कि कोई भी शेप अगर आपने फ्रंट पर लेकर आनी है दैन सेंड टू बैक करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं इन चीज़ों को ओके जी। आगे बढ़ते हैं, लेयर्स पर आते हैं वापस से, और कंबाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो मैं लेयर्स को ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जब मैं शेप ड्रॉ कर रही हूँ तो अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करती हूँ तो देखें क्या चेंजेस आती हैं। शेप ऑल्टर के साथ प्रेस करने से क्या होगा, जब आप शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो वो एक कॉर्नर से इंक्रीज होगी लेकिन ऑल्टर के साथ वो आपको चारों कॉर्नर से इंक्रीज होती हुई दिखेगी। एक साइज एक साथ ही उसके एजेस जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन। अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं अपनी शेप के ऊपर और मैंने कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म किया। कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म से मैं शेप का साइज रिसाइज कर रही हूँ एंड ओके। ये शेप रिसाइज करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी पर आ जाती हूँ, और अगर प्रॉपर्टी पैनल ना हो तो आप विंडोज़ में जाके प्रॉपर्टी पे चेक लगाकर एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। सो विंडोज़ पर आकर यहाँ प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप चेक लगा देंगे तो प्रॉपर्टी पैनल, अगर इन केस आपके पास नहीं आ रहा तो वो अपेयर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर कॉर्नर साइन चेंज करने हो, आउटलाइन इनसाइड करनी है आउटसाइड करनी है ये अपने हिसाब से देख सकती हूँ। इसी तरीके से मुझे कॉर्नर्स को राउंडेड करना हुआ तो मैं कॉर्नर्स को राउंडेड कर सकती हूँ अपने हिसाब से, मैं सारे काम यहाँ पर कर सकती हूँ ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चार पोजीशंस हैं दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं इनके अंदर लिंक ये देखिए लिंक क्रिएट मतलब ये चारों एक साथ मूव होती हैं, अगर मैं यहाँ से किसी का एरिया बढ़ाती हूँ लाइक 300 तो ये इम्प्लीमेंट चारों साइड पर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिंक ख़त्म कर देती हूँ और अगर मैं किसी का एरिया अब बढ़ाती हूँ तो अब ये सिर्फ एक साइड पे इम्प्लीमेंट होगा जिस साइड पे मैंने इम्प्लीमेंट इसको किया है। तो मैंने अगर दो साइड पे दिया है तो ये दो साइड पे इम्प्लीमेंट करेगा लाइक दैट।
तरीके से अगर मैं इस शेप को 900 बाय 900 पर ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि शेप की कंडीशन कैसी हो गई है। देखें सही। सो इसी तरीके से आप ये सारे काम सब शेप्स के साथ इजीली कर सकते हैं। मूव ऑन। इसी तरीके से नेक्स्ट शेप हमारे पास है एलिप्स है, राउंडेड रेक्टेंगुलर है, पॉलीगन है। पॉलीगन देख लेते हैं। ये पॉलीगन टूल है, इसकी फ़िलहाल 5 साइड्स हैं। अगर आप यहाँ कॉर्नर से इंक्रीज कर देंगे साइड्स को, अगर आप 10 कर देंगे तो 10 साइड्स इसकी इंक्रीज हो जाएंगी। ओके इसी के साथ अगर आप इसकी सेटिंग्स ओपन करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है स्टार। अगर आप स्टार्स लेंगे तो स्टार की 10 साइड्स आ जाएंगी आपके सामने। इसी तरीके से स्मूथ इन 10 रखेंगे आप चेक लगाकर तो स्टार्स में देखें स्मूथ इन 10 आ गया। इसी तरीके से अगर आप स्मूथ कॉर्नर्स पर चेक लगाते हैं तो स्मूथ कॉर्नर्स ऐसे हो जाएंगे इसके। ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप रेडियस बढ़ा देते हैं इसका, लाइक आई एम क्लिक ऑन द 25 या 24 एक्स वाई जी, तो ये इसका रेडियस बढ़ गया। ये देखें तो रेडियस ज़्यादा बेटर ये कि इट्स नॉट अ वर्किंग प्रॉपरली, तो बेटर ये कि आप इसको खाली ही रखें। और थिकनेस वगैरह बढ़ानी है तो आप वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। सो ये आपने शेप्स पॉलीगन से ड्रॉ कर ली। इसी तरीके से लाइट टूल है हमारे पास। ओके इसी तरीके से हमारे पास है लाइन टूल, और लाइन टूल के ऊपर हम लोग काम कर लेते हैं। नेक्स्ट कस्टम शेप्स हमारे पास बहुत सारी भी हैं लाइन टूल के बाद, कुछ शेप्स बनी बनाई हैं। अगर आपको फ्लावर्स चाहिए तो यहाँ पर कस्टम शेप्स में आपके पास फ्लावर ऐड है। आप ड्रॉ करना चाहते हैं सिंपल आप ड्रॉ करें, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर एज वेल वही सेम ग्रेडियंट अप्लाई करना है, कौन सा भी कलर देना लाइक दैट आप इन चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास लाइन टूल है, लाइन ड्रॉ करनी है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। विथ बढ़ानी है लाइन की, विथ यहाँ से बढ़ेगी इसकी, लाइक अगर मुझे 20 विथ करनी है तो मैंने 20 किया एंड देन मेरी विथ जो है वो थिक होना शुरू हो गई। देखें ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। शेप्स हमने सारी डिस्कस कर ली हैं, और भी आप प्रॉपर्टी में जाके चेक कीजिएगा, और इसकी कस्टम शेप्स पर आकर आपको शेप्स बहुत सारी अवेलेबल हो जाएंगी। सो आप कोई सी भी शेप लेना चाहें इजीली आप वो यहाँ पर ड्रॉ करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आज की ये लेक्चर समझ नहीं आए, अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।